अब्दुल गनी पीर बाबा का 3 दिवसीय 51वां उर्स 30 जनवरी से। दीदवाना हजरत मौलाना अब्दुल गनी पीर बाबा का 3 दिवसीय उर्स हर साल की तरह इस साल भी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। सज्जादा नसीन सैफुल्ला खान बिन फैजुल्लाह खान सांभरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्स में क्षेत्रीय जायरीनों के अलावा रतलाम, जावरा, इंदौर, देवास, भोपाल, जयपुर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जायरीन शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ ही उर्स शुरू हो जाएगा। 31 जनवरी को मस्जिद लोहारान के पास से कव्वाली के साथ चादर का जुलूस निकाला जाएगा, जो शाम 5 बजे रवाना होकर मुख्य बाजार से सैयदों के मोहल्ले से होते हुए शेख तालाब स्थित दरगाह पर झंडा चढ़ाया जाएगा। रात्रि में महफिल कव्वाली होगी। 1 फरवरी को सुबह कुरान खानी के बाद महफिल नात खानी होगी व 9 बजे से सूफिया कलाम कव्वाली होगी। फातेह खानी के बाद दोपहर में हमारे देश के लिए अमन चैन की दुआ की जाएगी व आए हुए जायरीनों की दस्तरबंदी होगी। कुल शरीफ के बाद 3 दिवसीय उर्स मेले का समापन हो जाएगा। अब्दुल गनी पीर बाबा को जो उर्स है वो कब से आरंभ हो रहा है? ये 30 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 1 फरवरी 2023 को कुल की रस्म के साथ में समापन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे उर्स में? 30 जनवरी को झंडे का जुलूस नागौरी गेट बाहर से रवाना होकर के दरगाह शरीफ पर झंडा चढ़ाया जाएगा और वो मुख्य बाजार से होता हुआ दरगाह शरीफ पे पहुंचेगा। और 31 जनवरी को नागौरी गेट के बाहर लोहारों की मस्जिद के पास महफिल कव्वाली होगी और वहाँ पर से चादर का जुलूस रवाना होकर के मुख्य बाजार से होता हुआ मोहल्ला काजियान सईदान से होता हुआ दरगाह शरीफ पर चादर शरीफ मज़ार पर पेश की जाएगी। उसके बाद रात को महफिल समा कव्वाली का प्रोग्राम दरगाह शरीफ पर ही होगा महफिल खाने में। और 1 फरवरी को सुबह 10 बजे कुल की महफिल शुरू होगी और कव्वाली का प्रोग्राम होगा दरगाह शरीफ में महफिल खाने में और उसी के साथ में करीब 1 बजे कुल की रस्म हो जाएगी और रस्म के बाद में उर्स का समापन हो जाएगा, इख्तिताम हो जाएगा। और ये उर्स 51वां उर्स मनाया जा रहा है जो हर साल की तरह मनाया जाता है। और मैं दरगाह हज़रत पीर सैयद अब्दुल गनी के आस्थाने में खड़ा हुआ हूँ और मैं दरगाह शरीफ का सज्जादा नशीन हूँ। मेरे वालिद आपके सबसे अव्वल अनुयायी है जिनको शिष्य कहा जाता है और मुझे मेरे वालिद ने सज्जादा नशीन मुकरर कर रखा है और मेरे भाई अताउल्ला खान एडवोकेट को भी सज्जादा नशीन मुकरर कर रखा है और हम सब भाई यहाँ पर आए हुए हैं और उर्स के इंतज़ाम और इख्तिताम सारा हमारे हाथ में होता है और सारा उर्स का संचालन और उर्स की व्यवस्था हम लोग ही देखते हैं। और बाहर से मध्य प्रदेश, देवास, इंदौर, रतलाम, उज्जैन और इसके अलावा जयपुर और आसपास के अतराफ के लोग भी इस उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं और यहाँ के मुकामी जो हजरात हैं वो भी आप अब्दुल गनी साहब के काफ़ी शिष्य हैं जो भी इस उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं। और ये उर्स मनाया जा रहा है हर साल की तरह और इस साल भी ये उर्स 51वां उर्स मनाया जाएगा।